वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर 12 बजे से और आज मैं हूँ मोंटिनिग्रो में। मोंटिनिग्रो एक बहुत ही प्यारी कंट्री है और मोंटिनिग्रो के कोतवा टाउन में आज मैं हूँ। अपना शिप पीछे डॉक हुआ है, यहाँ पे आप देखिए। अभी मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ, उसके लिए मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा यहाँ पर और यहाँ से मैं दिखाऊँगा। सब लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ पूरे कतर का। ये जो गेट है ऊपर जाने के लिए, ये है साउथर्न गेट, 13th-18th century। हाँ ये देखो कितना पुराना है गेट को बंद करने के लिए, ये चैन यहाँ पे लगी हुई है। आपको पहले मैं सीढ़ियों से ऊपर लेके चलता हूँ, बहुत पुराना किला है, बहुत भीड़ है ऊपर जाने के लिए। 50-60 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के और ये वो जगह है जहाँ से नज़र रखी जाती थी। ये जो बनाई है, ये देखो भाई, यहाँ से ऐसे नज़र रखी जाती थी, ये होल्स, यहाँ पे गन रखी जाती थी। ये देखिए भाई साहब नज़ारा। और आपको बताऊँ, ये सी का लास्ट पॉइंट है। अगर आप गूगल मैप में मोंटिनिग्रो देखेंगे और कोतोर आप सर्च करेंगे तो कोतोर सबसे जो है मोंटिनिग्रो में सी का लास्ट पॉइंट है। इस तरह से बना हुआ है, देखिए जैसे मैं उंगली से आपको दिखा रहा हूँ ना, इस तरह से पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो अपना शिप उधर है, बहुत दूर, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली आपको। ये तो सिल्वर सी का है यहाँ पर और उसके पीछे वो भी सिल्वर रे है। अभी मैंने आपको जो दिखाया वो एरिया मैंने यहाँ से दिखाया, क्या व्यू लग रहा है भाई। और ये मोंटिनिग्रो का फ्लैग है, रेड कलर का, ये देखिए लहरा रहा है जो। यूनेस्को का यहाँ पे फ्लैग है। लोग सीढ़ियों से ऊपर तक जा रहे हैं, ऊपर देखिए आपको दिखाता हूँ बंदा हुआ एक, ये देखिए यहाँ से ऊपर तक आप जा सकते हैं। आप चाहें तो केबल कार भी ले सकते हैं उस तरफ से, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा भाई बहुत ऊपर। जितने ऊपर आप जाओगे उतना अच्छा व्यू आपको दिखेगा। एक बार देख लेता हूँ ऐसे कैसा है रास्ता ऊपर जाने के लिए। हाँ, ऊपर जाने का रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब बहुत मेहनत ऊपर जाने के लिए। बस यहीं से आप नज़ारे देख लो। जो ये कंट्री है मोंटिनिग्रो, इसके नाम का मतलब है, मोंटिनिग्रो का मतलब है ब्लैक माउंटेंस, काले पहाड़। तो यहाँ पे आप देखो एक्चुअली मोंटिनिग्रो में तो पूरे पहाड़ ही हैं और ये देखिए काले काले पहाड़ भी आपको दिख जाएंगे। ये देखिए पूरा इस तरह का नज़ारा है मोंटिनिग्रो का। इस किले से मैंने थोड़ा बहुत आपको कस्बे का नज़ारा तो दिखा दिया है, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और धूप काफ़ी तेज़ लग रही है यहाँ पे वैसे आज। जो आपको पुराना गेट दिख रहा है, ये गेट कैसा बताया आपको, इसको यहाँ से घुमाना है और जो लोहे की भारी भारी बॉल्स हैं ये नीचे को रिलीज़ होंगी। जैसे इस पर वेट पड़ेगा, ये जो आपको लकड़ी का फट्टा दिख रहा है ये इस तरह से ऊपर को आएगा और गेट बंद हो जाएगा। ये देखिए ये है वो लकड़ी का फट्टा, अभी तो ऐसे बंद नहीं कर दूँगा, अब तो इसमें ही जंग लग गया है, देखो चैन में ही जंग लग गया, तो बैंड होती ही नहीं। लेकिन उस ज़माने का लोहा देखो भाई कितना सख्त है, 13th-18th century का गेट है भाई ये साउथर्न गेट। बाकी बाई रोड आपको एक्सप्लोर करना है तो ये देखिए मोंटिनिग्रो की होपन होपो बस यहाँ पर जा रही है, मैं हूँ कोतोर में। ये देखिए आपको ऐसे एक्सप्लोर कराएगी पूरी है, ऑडियो गाइड तो आपको होपन होपो की सारी बसेस में मिल ही जाता है, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। मतलब देख रहे हैं आप इसको, पूरा टाउन चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये देखिए इतने ऊंचे ऊंचे और सूखे पहाड़ चारों तरफ के, उस तरफ को भी ऐसे ही है। बहुत ही प्यारा शहर है और यहाँ के जो गाड़ी के नंबर प्लेट्स हैं उसमें यहाँ का फ्लैग बना होता है। ये देखिए जो भी गाड़ी है मोंटिनिग्रो की उसमें से फ्लैग रहता है, ये देखिए रेड कलर का राउंड राउंड आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्लू जो लाइन है इसमें यूरोप का वो नहीं है, जो यूरोप का फ्लैग होता है यूरोपियन यूनियन का, वो फ्लैग नहीं होता है भाई। व्यू देख के मज़ा आ जा रहा है मुझे, पहाड़ देखे कितने मस्त हैं, एक भी पेड़ नहीं पर पत्थर के बने हुए चट्टान।
जो भी घर हैं सारे घरों का कलर ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है, ये वाला कलर है मल्टी कलर, और इस तरह की छत भी है। मोंटिनीग्रो साउथर्न यूरोप में तो आता है, लेकिन ये ना ही यूरोपियन यूनियन में आता है ना ही यूरो जोन में, तो इसीलिए आप देखेंगे गाड़ियों में यूरोपियन यूनियन का फ्लैग नहीं है। जो ब्लू पार्ट है उसमें आपको जो भी शहर है उस शहर का नाम होगा, बाकी ब्लू पार्ट वैसे ही रहेगा। और उनका फ्लैग होता है यहाँ पे एक डिफरेंट जो चीज़ है नंबर प्लेट्स में, राउंड कलर का उनका फ्लैग होता है। और मोंटिनीग्रो में जो करेंसी चलती है वो है यूरो, और यहाँ की लैंग्वेज है मोंटिनीग्री, मोंटिनीग्री या ऐसा कुछ है इनकी अपनी लैंग्वेज, बाकी वैसे इंग्लिश यहाँ पे लोग समझते हैं बोलते हैं, ऐसा कुछ सेम नहीं है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज मोंटिनीग्री ऐसा कुछ है। और अभी मैं आपको बिल्कुल लेके आ गया हूँ, आप चाहे बोलो स्टार्टिंग पॉइंट या फिर बोलो एंड पॉइंट, तो इस पॉइंट से ही समंदर चालू होता है या आप बोलोगे यहाँ पे ख़त्म होता है। क्योंकि आप देखिए जो एक कतर है ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ तक यहाँ पे समंदर ख़त्म हो जाता है। अपना शिप यहाँ से आगे वो इस तरह से जाते रहेगा, कतर से हम बाहर निकलेंगे। और मोंटीग्रो में आप देखेंगे, मोंटीग्रो का अगर मैप देखेंगे गूगल में तो कतर जब आप देखेंगे तो कतर तक पहुंचने के लिए आपको यहां से फेरी लेनी पड़ेगी, फ़्लाइट भी से भी आप आ सकते हैं, लेकिन कतर में तो एक्चुअली एयरपोर्ट है नहीं, तो आपको यहां तक फेरी या फिर शिप से ही यहां तक पहुंचना होगा। और जब हम यहां से जाएंगे हमारे स्टारबोर्ड साइड और पोर्ट साइड दोनों साइड ये बड़े बड़े पहाड़ होंगे और हम उनके बीच से जाते रहेंगे, मतलब बोले तो राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, हम लोग जहाज़ में राइट साइड को स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं और लेफ्ट साइड को पोर्ट साइड बोलते हैं। तो वैसे ही जैसे ये शिप देखिए, ये शिप का जो इस साइड है ये है स्टारबोर्ड साइड और उस साइड पोर्ट साइड, और पोर्ट यहाँ पे काफ़ी छोटा है कतर का, ये देखिए एक ही शिप डॉक हुआ है, बाकी आगे वो जो दो तीन शिप हैं वो सब एंकर पे लगे हुए हैं और लाइफ बोट से या फिर सॉरी टेंडर बोट से पैसेंजर या क्रू पोर्ट पर आ रहा है और शिप में जा रहा है। फिर पोर्ट है सामने ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये पोर्ट एरिया है, छोटा सा है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये इतनी प्यारी जगह है ना, मैं आपको इसको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आप घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं तो आप मोंटिनीग्रो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा मोंटिनीग्रो का। फ़्लाइट की बात करें तो आप अहमदाबाद चेन्नई दिल्ली से मोंटिनीग्रो की फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, वो आपको अराउंड पड़ेगी यार मोटा मोटा मान के चलें तो आपको 60-70 हज़ार की वन वे की फ़्लाइट पड़ेगी। यहाँ पे कुछ इस तरह की टैक्सी चलती है। यहाँ पे एक बहुत पुरानी मार्केट है 1944 की, तो वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये जगह है जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ, इस जगह का नाम है लुका, मतलब जहाँ पे अभी मैं हूँ एग्जैक्टली ये है लुका, लुका कतर। ये यहाँ की पुलिस है, ये उसकी कार है, मैं आपको लेके चलता हूँ उस तरफ को क्रॉस करके, सामने मार्केट एक छोटी सी। और ये रही यहाँ पे शॉप्स, के अंदर मेन मार्केट है पूरी। बस इन्हीं गलियों के अंदर रेस्टोरेंट है, शॉप्स हैं, सब कुछ यही है। देखिए रेस्टोरेंट्स, मौसम प्यारी जगह लग रही है मुझे तो। कुछ इस तरह का ये फलों के घर है, यहाँ पे सामने लिखा है पोतो,
यहाँ पे मैंने एक बहुत पुराना हैंडपम्प देख लिया, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई साहब, पानी नहीं निकल रहा इससे, क्योंकि गीला नहीं है नीचे बिल्कुल भी। बंदे तो छेड़छाड़ कर ही रहे हैं। घर और दरवाजे देखो लोगों के, तुम लकड़ी के। और ये बिल्लियों के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं, बहुत प्यारी बिल्ली है। यहाँ पे लगभग जो लोगों के घर हैं वो सेम ही जैसे दिखेंगे आपको, पत्थर के बने हुए इस तरह के, देखिए। और इनकी जो छत है वो रेड कलर की, यूनिक से आपको दरवाजे भी दिख जाएंगे यहाँ पे। ऊपर गली में लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, तौलिए सूख रहे हैं सारे, ये सूख रहे हैं। ये सारी दुकानें हैं, हैंडमेड बहुत रहता है यार यहाँ पे सामान। थक गया हूँ भाई ये गली में घूम घूम के, मुझे अब नीचे जाना चाहिए सिटी की तरफ को। ये क्या है, रेसिडेंशियल एरिया है और इसी के नीचे लोगों की शॉप वगैरह है, क्योंकि कोतर में क्या है जगह ज़्यादा नहीं है, आपको पता है ना। पीछे तो पहाड़ आ रहे हैं, बस आगे समंदर है, जो बीच में थोड़ा सा जगह बच रही है इसी में लोगों के घर हैं और दुकानें हैं। ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है अभी। और यहाँ पे आपको 13th century, 14th century, 16th century के चर्च वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत पुराने पुराने। बाकी ये टूरिस्ट हब तो है ही, डेली यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं और जाते हैं, बट मेनली जो पैसेंजर्स यहाँ पे आते हैं वो या तो क्रूज़ से आते हैं या फिर फेरी से आते हैं। भाई साहब देखो, ऊपर इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और ये समुद्र का पानी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है पीछे। फ़ोटोग्राफी करने के लिए एक नंबर है, देखिए क्या मस्त पहाड़ हैं। लेकिन आज मैं अकेले बाहर आया हूँ, ना ही मेरे साथ पंजाबी है ना ही बंगाली है, मुझे किसी और को पकड़ के लाना चाहिए था, एक मराठी भी था वो भी नहीं आया। इस पॉइंट से फ़ोटो लेने में क्या ज़बरदस्त फ़ोटो आएंगे देखिए। पार्डन, थैंक यू, पार्डन। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिक्शे यूज़ किए जा रहे हैं वो उल्टे हैं एक्चुअली इंडिया से, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे दिखता है तो। वो पीछे चला गया एक्चुअली, अगर मुझे भी दिखता है दोबारा तो आपको दिखाऊंगा मैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे बहुत पुराने पुराने चर्च दिख जाएंगे, तो एक चर्च यहाँ पे पीछे है पहाड़ी में, वो चर्च यहाँ पे है सामने, ये दिख रहा है आपको, ये है वो चर्च। लोग बहुत मशक्क़त कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, नीचे से वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराना चर्च है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में झरना है, जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ से बहुत तेज़ से पानी आता है और ये नीचे समंदर में मिल जाते हैं, नीचे देखिए पुल में, तो तब तो बहुत प्यारा लगता होगा ये। और यहाँ पे अभी तो ठंड, मतलब एक्चुअली गर्मी है, लेकिन यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ वगैरह गिरती रहती है यहाँ पे। ये दिख गए मुझे रिक्शे, ये आगे को इस तरह को चलते हैं, आपने वहाँ से धक्का देना होता है, इसका टायर पीछे है, इस तरह के यहाँ पे रिक्शे हैं देखिए। यहाँ पे आप बैठो, ये सीट है, यहाँ से पेडल मारो और ये हैंडल है, फिर आप चलाओ इसको। ऐसी खड़ी है सबको लग रहा हो, ये आगे मुंह इसका इधर नहीं, उसका मुंह उधर है। और अभी टाइम यहाँ पे 3 बजने वाला है और मुझे अभी अंदर चलना चाहिए शिप की तरफ को, अभी थोड़ी देर और घूमूंगा 1 घंटा। अब यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ, जितनी दूर मैं चल के आया था अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। घूमते घूमते अभी मैं पोर्ट के पास पहुंचने वाला हूं। ये रहा पीछे शिप, अब मुझे लगता है कि मुझे शिप के अंदर चलना चाहिए, बहुत देर से घूम रहा हूं और सेलिंग भी आज जल्दी है यहां से। यहां पे रोड में आपको गाड़ी का ट्रैफिक तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि भर भर के टूरिस्ट हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई है, इतनी भीड़ और भसड़, पता आपको किस चीज़ पे लगी हुई थी, ये लड़की व्हीलचेयर को अपनी नीचे ले जा रही है, तो बाकी लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा जाने के लिए। वो देखे धीरे धीरे रैंप से अपनी व्हीलचेयर को नीचे लेके जा रही है, भाई सुविधा तो बहुत है। ये देखिए इस तरह से
वो यहाँ पे लगी हुई है मशीन, इससे व्हील चेयर को ऊपर ले जा सकते हैं हैंडीकैप के लिए। पहुँच चुका हूँ फोर्ट के पास, फोर्ट ऑफ कतर। ये है पूरा फोर्ट एरिया। तो अभी आ चुका हूँ शिप के अंदर। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अंदर आते ही सबसे पहले ठंडा पानी पी रहा हूँ। और यहाँ पे बाहर जाने के लिए आपके पासपोर्ट में वैलिड वीज़ा, अगर आप क्रू हैं तो आपके पासपोर्ट में वैलिड वीज़ा होना चाहिए किसी भी कंट्री का। अगर नहीं है तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर इसके बाद दूसरा सौर पास मिलेगा। सौर पास तो वैसे सभी को लेना है क्रू को, बाहर चेक तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको सौर पास मिलेगा और आपको अपने साथ सौर पास कैरी करना होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म जिसे बोलते हैं मतलब, तो वो लेके जाना होगा बाहर यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आते हैं तो उसके लिए भी आपको वैलिड वीज़ा चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको मॉन्टेनेग्रो का वीज़ा ऑब्टेन करना होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।